तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रियलमी 8 5G मोबाइल का, जो कि बहुत ही कम बजट में आपको हर एक फीचर उसमें मिलता है। अभी अगर 5G मोबाइल लेना चाहते हैं तो ये मोबाइल आप ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है। मैं आज इसको अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। मैं फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, जो मेरे को आज डिलीवर कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में बने रहिए और रियलमी 8 जो 5G मोबाइल है उसका अनबॉक्सिंग करता हूँ, क्या क्या उसमें मिलता है अनबॉक्सिंग में और क्या क्या फीचर है, मैं आपको सब पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है बिटू और आप देख रहे हैं एंड्रॉइड गुरु बिटू। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार का वीडियो हमेशा अपना चैनल पर लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, लेकर करते हुए चलते हैं हम अपना अनबॉक्सिंग की तरफ और अनबॉक्सिंग करते हैं फोन का। तो फाइनली दोस्तों, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से फ्लिपकार्ट ने मेरे को पैकिंग करके भेजा है, बहुत ही बेहतरीन पैकिंग करके भेजा है। मैं इसको ओपन कर लेता हूं, बॉक्स को फाड़ लेता हूं। तो दोस्तों, देख सकते हैं बॉक्स फाड़ते वक्त आपको एक मिल जाता है बिल, जो कि फ्लिपकार्ट ने मेरे को बिल ये दिया है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका बिल है। उसके बाद से दोस्तों देख सकते हैं रियलमी 8 जो भी रियलमी कंपनी बनाती है येलो कलर में इसका बॉक्स इसी प्रकार से सेम मिल जाता है। येलो कलर में इसका बॉक्स बहुत ही बेहतरीन देखने में लगता है, देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन दिखने में लग रहा है दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों मैं इसको करता हूँ ओपन। तो देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से मेरा बॉक्स ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद दोस्तों इसके ऊपर मेरे जो पार्ट है मैं उसको निकालता हूँ, क्या है दोस्तों। फाइनली इसका मोबाइल कवर है, देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन ये कवर दिया हुआ है। इसमें फ्री में एक कवर मिलता है आपको। उसके बाद से दोस्तों जो मेरा फ़ोन है वो यहाँ फ़ोन है, देख सकते हैं ये फ़ोन है। फिलहाल मैं इसको साइड कर देता हूँ, उसके बाद से दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है दोस्तों। देख सकते हैं इसका चार्जर, उसके बाद से दोस्तों इसमें जो केबल मिलता है डाटा केबल, इसमें सी टाइप डाटा केबल मिलता है, बहुत ही जो कि बेहतरीन है। उसके बाद से दोस्तों इसको मोबाइल को मैं ओपन करता हूं और सब फीचर बताता हूं क्या क्या है इसमें। तो देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है ये। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका जो लाइटिंग है बहुत ही बेहतरीन देखने में लग रहा है, चमक रहा है पीछे की तरफ से बहुत ही बेहतरीन, कुछ देख सकते हैं इतना ज़बरदस्त लग रहा है। उसके बाद से नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाता है इसमें रियलमी का लोगो, यहाँ रियलमी का लोगो देखने को मिल जाता है, बहुत ही बेहतरीन एकदम स्लिम पीस बनाया हुआ है कुछ। तो दोस्तों इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों ये मोबाइल मेरा ओपन हो रहा है, ठीक है, तब तक वीडियो में बने रहिए। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं मेरा मोबाइल ये ओपन हो चुका है। उसके बाद से दोस्तों इसको कुछ प्रोसेस बढ़ाना होता है, उसको प्रोसेस बढ़ा लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ मैं प्रोसेस बढ़ा लेता हूँ तेज़ी से, यहाँ आई एग्री कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, फिर से नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ भी स्किप कर लेंगे, उसके बाद यहाँ भी नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, उसके बाद से दोस्तों यहाँ भी एक्सेप्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद से आपको जो कोई भी अगर लॉक लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, वरना आप यहाँ से लेटर पे क्लिक करके फिर से लेटर पे क्लिक करके नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, फिर से नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद फिर से नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद से गेट स्टार्टेड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, तो आपका फ़ोन चालू हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से मेरा फ़ोन चालू हो चुका है। अब मैं इसका फ़ोन का फीचर बता दूँ दोस्तों कि क्या क्या है इसमें। तो बात करूँ कैमरा का, तो पीछे का कैमरा जो है दोस्तों यहाँ मिल जाता है आपको, चार कैमरा है। कैमरा का जो फीचर है इसमें बहुत ही बेहतरीन कैमरा दिया हुआ है, जो कि पहला जो कैमरा है 48 मेगापिक्सल का है, उसके बाद सेकेंड जो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, उसके बाद फिर एक कैमरा जो क्वाड कैमरा है वो भी 2 मेगापिक्सल का दिया हुआ है। उसके बाद से दोस्तों बात करें हम फ्रंट कैमरा का, तो फ्रंट कैमरा दिया हुआ है इसमें 16 मेगापिक्सल का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करें इसमें बैटरी पावर की, तो बैटरी पावर दोस्तों इसमें मिल जाता है 5000 mAh बैटरी का, जो कि बहुत ही बेहतरीन पावर है, ठीक है। तो दोस्तों बात करें इस फोन का प्रोसेसर का, तो इसमें जो प्रोसेसर दिया हुआ है मीडियाटेक डिमेंसिटी 700MT6833 प्रोसेसर दिया हुआ है, जो कि मोबाइल के प्रोसेसर के बहुत ही हाई क्वालिटी का प्रोसेसर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें गेमिंग प्रोसेसर आता है बहुत ही ज़बरदस्त, कोई भी आप गेम खेलेंगे आपका मोबाइल हैंग नहीं करेगा, फास्ट वर्क करेगा। दोस्तों इसका जो मोबाइल का डिस्प्ले है उसमें आपको मिल जाता है 16.51 cm का और 6.5 inch का फुल HD डिस्प्ले मिलता है। दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है, आप भी ये ले सकते हैं 5G फ़ोन रियलमी 8, ठीक है। दोस्तों इसमें बात करें स्टोरेज की, तो इसमें 4GB रैम और 128GB रोम देता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसमें बात करें एक्सपेंडेबल की,
तो इसमें 1000 GB आपको देता है, यानी 1 TB, 1 TB साइड से आप मेमोरी लगा के यूज कर सकते हैं। बहुत ही जो कि अभी नया नया में ही आ रहा है 1 TB यूज करने के लिए, नहीं तो पहले 256 GB ही आता था। दोस्तों इसमें बात करें साइड के फिंगरप्रिंट के, तो बहुत ही स्लिम दिया हुआ है फिंगरप्रिंट, जो कि एकदम टच करते ही वर्क करेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये जो रियलमी 8 मोबाइल था 5G, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में करके बताइए कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट से ये अवेलेबल है, 16,499 रुपये का आपको फ़ोन, ये बहुत ही बेहतरीन 5G फ़ोन मिल जाता है। इतना कम रेट में आपको 5G फ़ोन मिल जाता है, 4GB और 128GB। तो दोस्तों आज का ये मेरा अनबॉक्सिंग वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।